दोस्तों रोज एक पौधा कार्यक्रम में आज पुंगेमिया पिनाटा करंच पेड़ के बारे में देखेंगे। करंच कहते हैं, करंचा कहते हैं, पुंगा नाम से भी कहते हैं, पुंगा ट्री के नाम से भी कहते हैं। आप रोड साइड किनारे में कहीं भी आप देखेंगे ना, ये पेड़ कहीं भी दिखता है। इसका पत्ती देख लीजिए, बिल्कुल घने रहता है, पूरा पेड़ बहुत घने रहता है, छाव अच्छा मिलता है, इसलिए रोड किनारे में ज़्यादा तरफ से ये लगा रहता है। इसका पत्तियों का एज देख लीजिए, थोड़ा सा शार्प रहता है, बाकी बिल्कुल ग्रीन रहता है बिल्कुल। ये पुंगा करंच पौधा का है, आप देख रहे हैं करंच, ये भी वही करंच का ही पौधा है। आप रोड किनारे पे कहीं भी देखेंगे ना ये मिलता है, ये ज़्यादा घने रहता है, छाव अच्छा मिलता है, इसलिए रोड किनारे पे सब जगह लगा रहता है। दोस्तों आप देख रहे हैं करंच पौधा का फूल, ये है करंच पौधा का फूल, अच्छा से इसका पहचान लीजिए। इसका कभी भी मिलता है इसका इकट्ठा करके रख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों ये करंच करंचा पौधा का फूल पत्ती, आप फूल देख लीजिए, छोटा छोटा वाइट कलर का फूल रहता है, इसके साथ साथ थोड़ा सा लाल काले दोनों मिला हुआ रहता है फूल। इसका ये फूल, ये पत्ती, इसका बीज, इसका छाल, सभी में मेडिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा रहता है, इससे इसका पहचान सकते हैं आप। दोस्तों ये करंच का फूल को मिलने टाइम में ज़्यादा इकट्ठा ले लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, तो फूल को चाव में सुखा लीजिए, सुखा के उसको थोड़ा सा घी में फ्राई करके उसका पाउडर करके रख लीजिए। उसका रोज 1 से 2 ग्राम तक सुबह शाम दोनों टाइम खाने से ब्लड शुगर लेवल कम होता है, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है वो ठीक होता है। दोस्तों करंच पौधा का ये फूल को आप चाव में सुखा के उसके बाद थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा फ्राई करके उसका रोज 1 से 2 ग्राम तक सुबह शाम खाने से ब्लड शुगर लेवल कम होता है, इसके अलावा ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन, कोई भी ग्लैंड में सूजन होता है वो ठीक होता है। इसके अलावा लेडीज़ को PCOD प्रॉब्लम ठीक होता है, यूट्रस में कोई भी दिक्कत आता है वो ठीक हो जाता है। इसका ये फूल को खाड़ा बना के उसका खुल्ले करने से थ्रोट इन्फेक्शन ठीक होता है। इसके अलावा ये फूल का पाउडर रोज 1 से 2 ग्राम खाने से लेडीज़ को इरेगुलर पीरियड्स ठीक होता है, पैंक्रियास में सूजन आता है वो ठीक होता है, पैंक्रियास में इन्फेक्शन होता है वो ठीक होता है, शुगर के कारण शरीर में फोड़ा फुंसी जैसे आता है वो ठीक होता है। इसके अलावा लेडीज़ को वॉइड डिस्चार्ज ठीक होता है, इसके अलावा STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के कारण होने वाला वॉइड डिस्चार्ज लेडीज जेंट्स दोनों का ठीक होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये करंच पौधा का फूल। दोस्तों आप देख रहे हैं पुंगेमिया पिनाटा करंच पेड़ का
ये करंज पेड़ का सीड्स है, ये देख लीजिए सीड्स, ये सेल रहता है, सेल कब थोड़ेंगे अंदर से खिलौना जैसा हिलता है, उसका सीड्स अंदर से निकलता है, बीज निकलता है उसका अंदर से। ये बीज से आप पहचान सकते हैं हमेशा, ये पूरा साल इसका बीज इसको पेड़ में लगा रहता है। इसका तोड़ेंगे ना अंदर से एक बीज निकलता है, वो जी बीज को भी अपन दवाई के तौर पर ले सकते हैं। दोस्तों ये करंचा पेड़ का सीड्स, ये सेल है, सेल का थोड़ेंगे ना बीज निकलता है, उसका बीज का अंदर वाले बीज का तोड़ के उसका पीस के आधा चम्मच तक रोज हनी मिला के खाने से कोई भी स्किन डिसीजेस ठीक होता है, खुजली होता है, रैशेस आता है, कोई भी स्किन संबंधी सभी बीमारी के लिए ये सबसे अच्छा दवाई रहता है, ये अंदर खाने से जल्दी ठीक होता है। दोस्तों ये करंज पौधा का पत्ती को थोड़ा बहुत लेके इसका पीस के एक पेस्ट जैसे बना के उसी को आप सन बांड में लगाने से, इसके अलावा लेपरेसी का चोट उसमें लगाने से कोई भी चोट जल्दी ठीक नहीं होता है, उसमें लगाने से भी जल्दी ठीक हो जाता है इसका। इसके अलावा इसी पत्तियों का पीस के अरंडी के तेल मिला के हल्का सा गर्म करके पाइल्स का बाहर में लगाने से जल्दी ठीक होता है। दोस्तों ये पुंगा पेड़ का पत्ती, करंज पेड़ का पत्ती चार पांच लेके, उसके साथ आम का पत्ती चार पांच लेके, उसके साथ थोड़ा सा खड़ी पत्ता डाल के, आधा चम्मच का सोम, 10 से काली मिर्च, आधा चम्मच का जीरा डाल के पानी डाल के उबाल के सुबह शाम पीने से कोई भी बुखार ठीक होता है। पित्त का मात्रा बढ़ने के कारण बुखार आता है वो ठीक होता है, पेट में कीटाणु ज़्यादा हो जाता है उसके कारण भी बुखार आता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण बुखार आता है, वो सभी बुखार को ठीक करती है। इसके अलावा सर्दी खांसी ठीक होता है इससे, इसके अलावा लीवर मजबूत होता है। दोस्तों ये करंच पुंगा पेड़ का पत्ती एक एंटीसेप्टिक होता है, इसी पत्तियों का पानी डाल के उबाल के ठंडा होने के बाद उसी पानी से कोई भी चोट को धोने से, पुराना चोट को साफ करने का भी, इसी से साफ करने से भी जल्दी ठीक हो जाता है इसका। इसके अलावा शुगर के कारण चोट जल्दी ठीक नहीं होता, उसी को भी इसका इसी पानी से साफ करने से कीटाणु सब खत्म हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों पुंगमिया पिनाटा करंच पेड़ का चाल, थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, फिर से 2 से 3 ग्राम तक ले लीजिए, लेके पानी डाल के उबाल के उसको थोड़ा सा मीठा डाल के पीने से लेडीज़ का वेट डिस्चार्ज ठीक होता है। इसके अलावा एसटीडी संबंधित सभी बीमारी, एसटीडी के कारण वेट डिस्चार्ज होता है लेडीज जेंट्समैन का, वो ठीक होता है। इसका फूल को थोड़ा बहुत फूल लेके उसके साथ थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा जीरा, थोड़ा वज डाल के उसके साथ नारियल का तेल डाल के बॉइल करके उसी को कोई भी स्किन डिसीजेस में लगाने से, रैशेस, खुजली, एथलेटिक फूड, रिंग वॉर्म, इसके अलावा लेप्रोसी के कारण आने वाला चोट, ये सभी में इसका लहाने से कोई भी चोट जल्दी ठीक नहीं होता है, उसी में भी इसका लहाने से वो जल्दी ठीक हो जाता है। इसका सर पे थोड़ा देर लहा के 15-20 मिनट के बाद नहाने से डैंड्रफ ठीक हो जाता है। दोस्तों ये करंज का बीज, अंदर वाले बीज रहता है उसका बीज को, ये सेल का तोड़ेंगे ना बीज अंदर से निकलता है, उसी बीज को आप
एक चम्मच तक लेके उसके साथ थोड़ा सा मीठा डाल के पानी डाल के उबाल के पीने से घुटने का दर्द ठीक होता है। कोई भी शरीर में घुटने में सूजन आता है वो ठीक होता है, सोरियासिस से ठीक होता है। दोस्तों ये पुंगा पेड़ का पत्ती करंचा पेड़ का पत्ती थोड़ा बहुत लेके पानी डाल के उबाल के उसके साथ थोड़ा सा हल्दी डाल के जैसे बॉयल करके नहाने वाला पानी में उसका मिला के नहाने से सर पे ज़्यादा खुजली होता है वो ठीक होता है, शरीर में खुजली होता है वो ठीक होता है, डैंड्रफ चला जाता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये इसी पानी को अंदर पीने से लीवर संबंधित सभी बीमारी ठीक होता है, वायरल बुखार ठीक होता है, स्किन डिसीजेस ठीक होता है इसमें। दोस्तों ये खरंच पुंगा पेड़ का सीड्स, ये सेल के अंदर से सीड्स निकलता है, उसी सीड्स को पीस के इसका तेल निकलता है, इसका पुंगा ऑयल के नाम से मार्केट में मिल जाता है। वो पुंगा ऑयल सभी दर्दों में लगाने के लिए, दर्द जोड़ों में दर्द सूजन सब में लगा सकते हैं, उसके लिए ये पुंगा ऑयल 50 ml ले लीजिए। उसके साथ सरसों का तेल 50 ml ले लीजिए, फिर नीम का ऑयल 50 ml ले लीजिए, फिर अरंडी का तेल 50 ml ले लीजिए, फिर तिल्ली का तेल 50 ml ले लीजिए। ऐसे पांचों तेल का, पुंगा, नीम, अरंडी, सरसों, तिल, ये पांचों तेल का मिला के धीमी आग में बॉयल करके एक बॉटल में स्टोर करके रख लीजिए। उसी तेल को आप शरीर में कहीं भी दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कहीं भी दर्द होता है, सूजन होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, सूजन आता है, उस जगह पे इसका लहाने टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा और मजबूत करना होगा ना इसी तेल को, थोड़ा सा लहाने टाइम में थोड़ा सा कपूर भी डाल दीजिए। कपूर डाल के इसका ये तेल को जोड़ों में मांसपेशी में लहाने से दर्द ठीक होता है। इसका बिना कपूर का ये सिर्फ पांच तेल को 10 बूंद तक अंदर पीने से भी जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द ठीक होता है। कपूर मिला के नहीं पीना चाहिए, कपूर का बाहर ही सेवन करना चाहिए। ये पांच तेलों का अंदर पीने से बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, 5 से 10 बूंद पीना चाहिए, बाकी सब बाहर लगाना पड़ता है। दोस्तों ये करंच पेड़ का बीजों का पीस के तेल मिलता है, पुंगा ऑयल के नाम से मिलता है, उसी ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके उसके साथ थोड़ा सा नींबू डाल के कोई भी जोड़ों के दर्द में लगाने से ठीक हो जाता है। दोस्तों पुंगमिया पिनाटा करंचा पेड़ का पत्ती थोड़ा बहुत लेके उसके साथ 5 से 10 पत्ती ले लीजिए, उसके साथ थोड़ा सा जीरा डाल के थोड़ा सा मीठा डाल के पानी डाल के उबाल के पीने से घुटने का दर्द, कमर का दर्द सही हो जाता है, बुखार ठीक होता है, खांसी ठीक होता है, स्किन डिसीजेस ठीक होता है, इसके अलावा लीवर संबंधित सभी बीमारी ठीक। दोस्तों करंच पेड़ का चाल थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, फिर दो से तीन ग्राम तक ले लीजिए, उसी का पानी में डाल के उबाल के सुबह शाम पीने से पाइल्स ठीक हो जाता है। पाइल्स कोई भी पाइल्स है, पाइल्स के लिए अच्छा दवा है, बहुत जल्दी ठीक होता है। इसका छाल को खाड़ा बना के पीने से
इसके अलावा शरीर में कहीं भी खून बाहर निकलता है वो सही हो जाता है। इसके अलावा लूज मोशन डिसेंट्री ठीक होता है इससे। इसी पानी से कोई भी चोट का धोने से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों करंचा पेड़ का सीड्स को वो सेल को तोड़ेंगे ना अंदर सीड्स निकलता है, उस सीड्स को पीस के पाउडर बना दीजिए। तो फिर उसको पीस के ताज़ा भी पीस के आधा चम्मच तक लेके हनी मिला के खाने से कोई भी स्किन डिसीजेस ठीक हो जाता है इससे। रैशेस होता है, जलन होता है, उसमें पानी इकट्ठा होता है इसी चोट में, वो सब इसी में ठीक हो जाता है। दोस्तों छोटे खोगरू का 2 ग्राम ले लीजिए, उसके साथ लौकी का बेल का 2 ग्राम ले लीजिए, उसके साथ पुनर्नवा का पत्ती 2 ग्राम ले लीजिए, उसके साथ इलायची का अंदर का चावल जैसा रहता है उसी का 2 ग्राम ले लीजिए, फिर उसके साथ करंच पेड़ का जड़ का छाल 2 ग्राम ले लीजिए, लेके पानी डाल के उबाल के इसका सुबह शाम पीने से प्रोस्टेट का सूजन सही हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक में ब्लैकेज आता है, स्टोन्स आ जाता है वो ठीक हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ठीक होता है इससे, यूरिन थोड़ा सा गाढ़ा आता है वो इससे ठीक होता है, इसके अलावा यूरिन में प्रोटीन निकलता है वो ठीक होता है, इसके अलावा किडनी श्रिंकेज होता है वो इससे ठीक होता है। इसके अलावा लेडीज़ को यूट्रस निकालने के बाद यूरिन कंट्रोल में नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा आते रहता है, वो इसका खाड़ा बना के पीने से, इसी पांचों का खाड़ा बना के पीने से ठीक होता है, नियंत्रण में रहता है। दोस्तों उंकेमिया पिनाटा करंचा पुंगा नाम से रहने वाला ये दोस्तों पुंगेमिया पिनाटा करंचा पुंगा नाम से कहने वाला ये पेड़ का पत्ती फूल छाल इसका बीज चारों का नारियल के तेल में डाल के बॉइल करके उसी को कोई भी स्किन डिसीजेस में लगाने से, उसके साथ थोड़ा सा हल्दी मिला के कोई भी स्किन डिसीजेस में लगाने से वो जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा इसी पत्तियों का खाड़ा बना के पीने से घुटने का दर्द जोड़ों का दर्द ठीक होता है। ये पेड़ों का छाल का काढ़ा बना के पीने से कोई भी स्किन डिसीजेस ठीक होता है। दोस्तों करंज का कच्चा बीज को सीका काई के साथ पीस के सर पे लगा के थोड़ी देर के बाद नहाने से डैंड्रफ चला जाता है, बाल अच्छा साफ हो जाता है, बाल अच्छे घने आता है।